कार्य और पवन के विवाद पे अक्षरा सिंह ने ऐसा क्या कह दिया अपने इंटरव्यू के दौरान, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होने लगा। मैम, जैसे कि पवन सिंह ने बताया है कि मंच पे कि 2005-2006 में दूसरे भाषा में जाते काम करने के लिए, क्या आप इन पे कुछ बोलना चाहेंगे? कौन गया 2005-2006 में, लेके आइए सामने। आप लोगों से ज्यादा सम्मान दिलाती हूँ बाहर, आप दर्शक लेके आइए ना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लकीर खींच दिया हो, गाना मिलियन में चल गया तो ये हो गया, ये सब बहुत छोटी बात है यार। टीआरपी उसको बोलते हैं जो अपने वजूद पे कायम रहता है। टीआरपी वो होता है जो आके स्टेज पे भचर भचर नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जहाँ एक किसी का गाना आता है लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ आपसी में नंबर वन खींचा तानी पैर खींचो टा। मैम, ये बताइए कि अभी भोजपुरी में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच, इस विवाद पे आप क्या कहना चाहेंगे? विवाद नहीं चल रहा है, घिनाया जा रहा है। विवाद नहीं है, ये किया लेकर है, लेकिन जरूरी नहीं है। आपने पानी पानी किया था खेसारी लाल के साथ, भोजपुरी का जो एक्टर है उन्होंने सबको कर दिया पानी पानी, तो आपने खेसारी के साथ मूवी किए हैं, गाना किए हैं, और पवन सिंह के साथ आपका पुराना ताल्लुक है, तो क्या लगता है आपको कौन सही? दोनों को आप पर्सनली जानते हैं? मैं जज थोड़े बैठी हूँ यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है, मैं न्यायालय थोड़े हूँ कि मैं इस पे कुछ टिप्पणी करूँ। कौन सही है कौन गलत है ये नहीं कहना चाहती, बस हाँ, किसी भी कलाकार का इस तरीके का कहना जायज नहीं। अच्छा, पहले के जो कलाकार थे उनमें इन तरह का कंट्रोवर्सी नहीं होता था, अब क्या कारण है कि अभी के कलाकार में हमेशा कंट्रोवर्सी होता है? हाँ, तो कंट्रोवर्सी हो रहा है तो उसके जिम्मेदार ये लोग खुद ही है ना। आपने कहा मैम कि अब जो स्टार है उनको स्टारडम पछता नहीं है। हाँ, स्टारडम पछता नहीं है, नया नया भेंट कर ली, हकर हकर पेट कर ली कहावत है ना, कि स्टारडम पचा नहीं पा रहे। स्टार क्या होता है? स्टार ये नहीं होता है कि यार मैं एकदम भगवान हो गया, ऐसे बोलने से नहीं होता है। लोग जितने चौड़े में बोलते हैं ना, पटर पटर नहीं। अच्छा, क्या ये चीज मानती है? स्टारडम पचाना सीखना है तो बड़े बड़े स्टारों से सीखिए, उसके बाद जाके अपने आप को स्टार बोलिएगा। अक्षरा जी, क्या ये मानती है कि पवन सिंह ने जो लकीर खींची उसी पे सब लोग, उन्होंने कहा कि 2 से 5, 2000, 4000, 5000 रुपए के लिए सब दूसरे भाषा में जाके करते हैं, हमने सबको यहाँ लाया 2000-5000 में? हाँ, उन्होंने कहा था। कौन गया 2000-5000 में, लेके आइए सामने। आप लोगों से ज्यादा सम्मान दिलाती हूँ बाहर भोजपुरी को। कौन गया 2000-5000 में गाने और काम करने? उन्होंने कहा कि इन लोगों का क्या था, पहली बार हिंदी को कौन लेकर आया भोजपुरी में? कौन हिंदी को ला दिए, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिए भोजपुरी के लिए। भोजपुरी से कमाए, भोजपुरी से घर बनाए, भोजपुरी से गाड़ी बना लिए। आप लोग भोजपुरी को क्या योगदान दिए? आप लोग भोजपुरी को योगदान क्या दिए? सब चीज भोजपुरी से हड़प लिए, देना कुछ नहीं है। अगर आप लेके आए कलाकार तो आपने एहसान किया भोजपुरी पे कि भोजपुरी का नाम बड़ा किया, तो उस चीज का वो गिनवाना है आपको। बजा भी तो भोजपुरी की रहे हैं, बजा भी तो भोजपुरी की। कौन से प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं मुझे बता दीजिए, एक दो प्रोड्यूसर का जो कमा के बैठ चुके हैं, सिनेमा हॉल से दर्शक भाग चुके हैं। आप दर्शक लेके आइए ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लकीर खींच दिया हो, गाना मिलियन में चल गया तो ये हो गया, ये सब बहुत छोटी बात है यार, बहुत छोटी बात है। सबको टीआरपी चाहिए होता है तो उन्हीं का नाम लेते हैं। किनको टीआरपी? जिनको भी टीआरपी चाहिए। बाप रे बाप, मतलब कौन है वो भैया? आप अच्छे से बताइए। आप मैं क्या बताऊँ, मतलब और कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं क्या? जिनका जिनका नाम आजकल आप ले रही हैं, और कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं? इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, कौन टीआरपी की बात कर रहे हैं? वो टीआरपी जिसका नाम कोई लेना भी नहीं चाहता है। कौन सी टीआरपी? टीआरपी उसको बोलते हैं जो अपने वजूद पे कायम रहता है। टीआरपी वो होता है जो आके स्टेज पे भचर भचर नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, काम करता है, काम करके इंडस्ट्री को सम्मिलित रूप से। आप सीनियर एक्टर हैं, सीनियर कलाकार हैं, सीनियर सिंगर हैं, आप एकत्रित होके बजाय ये करने की कि मेरे खेमा में जो है वो दूसरे में काम नहीं करे, बजाय इसके आप सबको बैठाते, सारे कलाकार को बैठा के आप इंडस्ट्री को ग्रो कराते, तो मैं मानती कि सुपरस्टार। थैंक यू वेरी मच। चलिए पूछ लिया जाए।
तो आपने दोनों के साथ काम किया, ठीक है, दोनों के साथ आपका नाम भी आया। अब क्या लगता है कि नंबर वन की रेस में जो ये लड़ाई हो रही है, क्या लोगों को नंबर वन के लिए जाना चाहिए? नंबर वन भोजपुरी को बनाइए ना, जैसे अदर इंडस्ट्री कर रही है, वो लोग नंबर वन नहीं करते हैं, वो लोग अपनी इंडस्ट्री को नंबर वन बनाते हैं, समझे? जहाँ एक किसी का गाना आता है लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ आपसी में नंबर वन खींचा तानी, पैर खींचो, टांग खींचो, सबको पटक दो, हम है ये स्टार तो हम है वो स्टार। नहीं मानते कि पवन ने भोजपुरी को आगे ले गए, पवन सिंह नाम दिलाया, पहचान दिलाया? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी ने पहचान नहीं दिलाया, डेफिनेटली हर किसी ने मेहनत की है, हर किसी ने नाम बनाया है। मैं कह रही हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ कि सब ने अलग अलग पहचान बनाई है, लेकिन अगर आपने पहचान बनाई है तो आपको बोलने की जरूरत है बॉस, आपको और ज्यादा इंडस्ट्री को ग्रो करना है ना, कि अपने आप को भगवान बताना है। लास्ट 15 सेकंड, दोनों में एक मैम, ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं भोजपुरी को।